फक्त मी महाराष्ट्राचे आराध्य देव छत्रपती शिवाजी महाराज यांना नमन करतो. बाबासाहेब आंबेडकर, शाहू महाराज, ज्योतिबा फुले यांना अभिनंदन करतो. आपण सर्वांचे महाराष्ट्राचे ज्यांनी मराठी माणसाची मान सन्मान प्रतिष्ठा व्यवसायासाठी लढाई लढली असे आपले सर्वांचे बाळासाहेब ठाकरे यांना सुद्धा अभिनंदन करतो. मंचावर उपस्थित महाराष्ट्र राज्याचे कर्तव्यगार मंत्री आदरणीय अस्लम शेख साहेब, दुसरे आपण सर्वांचे लाडके महाराष्ट्र राज्याचे माजी मंत्री आमदार शशिकांत शिंदे साहेब, महाराष्ट्र पर्यावरण बोर्डाचे अध्यक्ष, स्लम बोर्डचे अध्यक्ष, माजी आयुक्त, आपण सर्वांना सुखात दुःखात मदत करणारे सल्ला देणारे आदरणीय विजय नड्डा साहेब, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे आदरणीय अध्यक्ष आदरणीय सरचिटणीस श्री तारिकबाई फारुकीजी, राष्ट्रवादीचे सरचिटणीस आदरणीय प्रशांत पाटील साहेब, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे चिटणीस आदरणीय सिद्धताई म्हात्रे, संतोष शेट्टीजी माफ करा, सर्व तिघे पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष, तिघे पक्षाचे महिला अध्यक्ष, तिघे पक्षाचे युद्ध अध्यक्ष, तिघे पक्षाचे प्रतिष्ठित कार्यकर्ते आणि आमच्यापेक्षा तुम्ही मोठे उपस्थित सर्व आमचे पक्षाचे वर्गणे कार्यकर्ते. मला नड्डा साहेब बोलले की सर मराठीत बोलणार आहे, तुम्ही हिंदीत बोला. तसं आम्ही हिंदीत बोलतो, एक हिंदी बोलणार पाहिजे. सबसे पहले असलम शेख साहब आपका मैं स्वागत करता हूँ और स्वागत का कारण ऐसा है कि मैंने इतनी स्पीड से काम करने वाला मंत्री पहली बार देखा है कि मच्छी मार का प्रश्न था, असंभव प्रश्न था, स्पष्ट ना बोल दिया लेकिन जिद्दी करके अड़के उस काम को मार्ग प्रयत्न किया. साहब मैं आपको नई मुंबई की जनता की तरफ से हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद करता हूँ. लोकल विषय कोई भी हो, कोई भी काम पड़े, रास्ते पे बोलो, कहीं बोलो, आदरणीय संस्कार सिद्ध साहब कभी ना नहीं बोलते, रास्ते भी बुला लेते, गाड़ी रुकवा लेते हैं. साहब आपका भी धन्यवाद करता हूँ. वैसे आप हमारे ही हैं क्योंकि आप लोकल जैसे ही हैं. और नड्डा साहब कोई भी सलाह लेनी हो, प्रशासकीय कोई काम करना हो, किसी अधिकारी को फोन करना हो तो नड्डा साहब हमारे पास स्वतः एक चाबी है. वैसे फारूकी साहब बाकी है. सब विषय ऐसा है कि आज तीनों महाविकास गाड़ी के नेता के नेतृत्व में इलेक्शन मार्च मिड टर्म में होने वाला है और पक्ष का प्रत्येक कार्यकर्ता उत्साह से बैठा है. उसका एक ही उत्साह है कि एक आदमी जो 20 साल से 25 साल से बिना काम हेर फेर कर कब्जा करके बैठा है उसको निकालने का. मैं एक बात बताता था आपको, सबकी इच्छा है, सत्ता परिवर्तन चाहिए, हर एक के मन से इच्छा, दिल से इच्छा है. वैसे नहीं होगा, वो कैसे होगा? एक बात सुना था आपको मैं, एक के घर में चोर घुस गए, उसकी मिसिस मजबूत हट्टी कट्टी थी, चोर को पकड़ के ऊपर बैठ गई. पति के बोली मैं इसके ऊपर बैठी हूँ, उसके हिलने नहीं दूंगी, तू पुलिस को लेके आ. वो पति कभी इस कमरे में घुसता है, कभी इसको घुसता है, उसको घुसता है. वो पत्नी बोलती जल्दी कर, क्या ढूंढता है? बोलता चप्पल ढूंढता हूँ. चोर बोला भाई चप्पल मेरी पहन दी, मेरी जान छिड़ी होगी, तुझा जल्दी. अगर जान छुटा लिया ना तो पब्लिक को एक बटन दबा के जान छूट सकती है, 25,000 छूट सकती है. मोरे साहब बोले हमारी भावना है कि आदरणीय बाला साहब ठाकरे, आदरणीय सरदार साहब की प्रतिमा, उनकी फोटो बाहर निकाली है. साहब एक बात बोलता आपको मैं, एक छोटा सा संस्कृत का वर्ड है, कुत्सित कलंक का बोध नहीं छोड़ेंगे, कुत्सित कलंक का बोध नहीं छोड़ेंगे. हम बिना लिए बदला प्रतिशोध नहीं छोड़ेंगे, तरीका विरोध अवरोध नहीं छोड़ेंगे और जब तक बाला साहब ठाकरे सत्ता फुट लगी हम स्वस्थ नहीं बसेंगे. ये पढ़ने का आपके दृष्टि जाना है. विठल मोरे साहब का हमारे बात कभी कभी होता रहता है, पुराने दोस्त है मेरे, कभी
नहीं है बोला मैंने। और सही पूछेगा तो असलम शेख साहब सभागर में 95 में चुन के आया ना, तो उनसे बैठ के पूछते कैसे बोलना आगे। हमारे थोड़े से गुरु भी सबके संतोष शेट्टी साहब, उनको कोई सलाह नहीं, पहले बैठते उनके पास में। प्रत्येक कार्यकर्ता को प्रत्येक सीट के ऊपर तीनों को मिलके एक माँ का पेट में का होके काम करेगा तो कुछ ही मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर कोई गद्दारी करेगा, मैं एक संस्कृत शब्द है गीता का दूसरा अध्याय में श्लोक 34 है, एक कीर्ति चापी भूतानी, आदमी की गद्दारी अकृति ज्यादा कही जाती है, संभाव ही चर्चा करती, अच्छे से बुरा ज्यादा चलती है। कभी भी एक बार पीठ पे गद्दारी ठप्पा लग गया कभी मिटेगा नहीं, सबने मिलके हाथ में डाल के जो प्रण ये लोग लेके बैठे वो पूरा करना है। इसके पहले इतिहास बताता हूँ मैं आपको, विट्ठल मोरे साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, कई लोग क्लेम करते हैं कि हमने शिल्पकार है ये है, न्यू बॉम्बे के अंदर माल मत्ता करके आग लगी हुई थी, इधर दीपक पाठ साहब बैठे यहाँ पर, राजू शिंदे इधर उपस्थित है, नायक साहब इधर उपस्थित है, 15 दिन तक आदरणीय जितेंद्र अवार्ड साहब का यहाँ पर आप गमन पर। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए TV1 इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।